डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का हमारा टॉपिक होगा वो है एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क के फिजिक्स में वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कि एनर्जी क्या होती है और उसके बाद इसकी टाइप्स कौन सी हैं और इसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। अब देखें एनर्जी, आप इस लफ्ज से वाकिफ होंगे कि एनर्जी किसी भी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत जो होती है किसी भी बॉडी में, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। कैसे कि ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, क्योंकि बॉडी में जो काम करने की सलाहियत है उसको एनर्जी से कहेंगे। इसके बाद इसके एग्जांपल में देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जो आपको बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप कोई भी बॉल है, फुटबॉल है, आप उसको किक मारते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जिस सिमत में आपने फोर्स लगाई है उस सिमत में आपको आगे मूव करके, यानी आपने उसको एनर्जी दी है तो उसने आगे आगे जाके वायलेंट किया कि यानी वो मूव हुई है फोर्स की सिमत में। हम और ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसी से हम ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके हमने बॉल को किक मारी तो आगे की तरफ मूव हुई। इसके बाद है एरो, यानी कि आप किसी भी गो में आप एरो को डाल के खेलते हैं पीछे तो एरो आगे की तरफ, आप छोड़ते हैं तो एरो जो है आगे की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसमें भी एनर्जी होती है वो वहां पे मौजूद होती है। इसके बाद है जो एग्जांपल है वो स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग अगर आप उसको स्ट्रेच करें, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है जी, यदि एनर्जी की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल दो तीन मैंने आपको बता दी है कि पहले एग्जांपल में हमने वैन मिकी का बॉल, देन नेक्स्ट जो हमने किया जी एरो की, और थर्ड वन हमने स्प्रिंग की एग्जांपल दी। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम यहाँ पे कहेंगे स्प्रिंग में वो वर्क करने की सलाहियत पैदा होगी उसको हम एनर्जी कहेंगे। अब देखें जो टाइप्स ऑफ एनर्जी आगे जो हमारा टॉपिक है जी, टाइप्स एनर्जी की कितनी टाइप्स, तो हमने वैसे जो चैप्टर के इंट्रो में भी पढ़ा था कि एनर्जी की टाइप्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें जो पहली टाइप है एनर्जी वो है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में के ई से डिनोट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है पी ई। यूनिट ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी का जो यूनिट है एज जो वर्क का हमने यूनिट पढ़ा था ये कि जॉल, तो एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है एज वर्क। तो उसके बाद आप देखते हैं कि एनर्जी हमारी इसकी जो टाइप्स है इसको डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म में कैसे पैदा होती है, इसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे बिकॉज ऑफ एनर्जी मोशन ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी अगर कोई हरकत करती है उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें आएगी उसको हम कहते हैं जी
काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी जो प्रोसेस होगी उसको हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं तो हम देखें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉल की, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, वो मूव कर रहा है जी सीधा लीनियर डायरेक्शन उसकी, यहां पे वो आगे मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी हुआ v, कि v इनिशियल इज इक्वल टू v, यानी इसकी जो पहली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से मूव किया उसको हम कंट्रोल करते हैं जी v से। और जब ये बॉल आगे रोटेट करेगा कि मूव करेगा तो यहां पे कोई एक फोर्स होगी जो इसकी हरकत को अपोज करेगी, यानी इसकी हरकत को अपोज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो इसकी मोशन को अपोज करेगी, यानी कि जो बॉल की मोशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके इसकी फोर्स जो है तो इसके अपोजिशन में लागू है कोई रिट्रैक्शन, तो हमारे पास फोर्स होगी वो इसकी मोशन को थोड़ा यानी कि इसकी स्पीड को स्लो करेगी, मूव करने के लिए मोशन को स्लो कर देगी। अब देखें अगर किसी भी चीज की मोशन स्लो होती है तो वेलोसिटी में चेंज तो आ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है। अगर एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन को बेसिकली देखें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर आप कहेंगे कि उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर वेलोसिटी में चेंज की शरह आ रही है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसी तरह अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव, हम उसको यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं रिट्रार्डेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इस एग्जाम्पल में हमने फोर्स लगाई, यहाँ पे फोर्स जो है सिस्टम पे यानी रिट्रार्डेशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होगा उसको हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिट्रार्डेशन भी कहते हैं, एम। अब देखें एफ इज इक्वल टू माइनस एम, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जो है वो उसकी स्पीड जो है मोशन जो है बॉल की मोशन जो है वो स्लो हो रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया जी रिट्रार्डेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस एम। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टू ए एस इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर। अब देखें यहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई नहीं हुई, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी थी वी आई इज इक्वल टू वी। अब सिंपली आपने इसकी वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, यानी कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी है जो वो दी गई है वी के इक्वल है। अब यहाँ से आपने एस निकालने में एस इज इक्वल टू माइनस वी का स्क्वायर, और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट फैक्टर जो है टू ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाती है डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे जी टू ए। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए को हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं, और एस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर टू ए इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहां पर लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। अब जब हम इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट साइड वाली इक्वेशन को आप राइट साइड पर कंपेयर कर लें और लेफ्ट साइड पर कर लें, तो यहां पे आप देखें एफ इक्वेशन नंबर वन का एफ और इक्वेशन नंबर टू का एस, यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो आपने दोनों को साफ लिख देना है। उसके बाद माइनस एम ए इनके राइट साइड पे इक्वेशन नंबर वन माइनस एम ए और इक्वेशन नंबर टू का राइट साइड इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर टू ए।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एफ एस वाला ये फैक्टर जो है ये इक्वल होगा डब्ल्यू टी। जब वर्क की डेफिनेशन में पढ़ी है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस एस, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से जो माइनस साइन नेगेटिव ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ए यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखें हमारे पास जो टर्म बची है वो है एम इनटू बी स्क्वायर ओवर टू, तो आप इसको लिख सकते हैं जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन ओवर टू, इसको आप बाय लेके आए इस फैक्टर को वन ओवर टू को एम बी स्क्वायर। ये था जी एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट करना था काइनेटिक एनर्जी के लिए। यानी कि हम सबसे पहले हमने एक बॉल ली, उसको हमने मूव कराया, तो मैंने आपको बताया कि उस बॉल में कोई ना कोई अपोजिट फोर्स जो है उसकी मोशन को जो है वो डिक्रीज कर रही है, यानी कि उसकी मोशन को स्लो कर रही है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने सेकंड लॉ के एफ इज इक्वल टू एम ए, देन हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से दोनों को इक्वेशन को यहां पे निकाल के हमने कंपेयर करके यहां पे जो फैक्टर काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 एम बी स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था। अब नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होगी उस बॉडी में उसको हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह ड्यू टू पोजीशन, यानी कि किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें जो एनर्जी वहां पे प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं डेफिनेशन में एनर्जी प्रोसेसिंग ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर हम ये किसी सर्कल पड़ा हुआ है, अगर हम ब्लॉक को यहां से मूव करवा के ऊपर यहां पे लेके आते हैं किसी भी हाइट पे, तो इस हाइट की वजह से जो यहाँ पे एनर्जी प्रोसेस होगी उसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि देखें कि अगर हाइट हमने ब्लॉक की चेंज की है तो हमारे पास जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बॉडी अगर मूव की है डिफरेंट पोजीशन से अप वर्ड में सर्टेन हाइट पे उसको मूव करवाया है। इसके बाद आगे चलिए एक्सप्लेनेशन में पोटेंशियल एनर्जी की मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रो दिया है। उसके बाद अब देखें अगर बल जो होगा अब जो बॉडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल, जितना इसका वेट है उतनी ही फोर्स हमको लगानी पड़ेगी इसको लिफ्ट करवाने में अपवर्ड। देखिए जितना ब्लॉक का वेट है उतनी फोर्स हम लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है लिफ्ट होगा अपवर्ड। वर्क में जो होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने फोर्स लगाई इस बॉडी पे और जितना डिस्प्लेसमेंट इसने बॉडी के कवर किया तो यहाँ पे F is equal to, as you know that F is equal to m a। यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी की बात करें तो F is equal to हो जाएगा m g, लेकिन W is equal to m a और आप एक्सेलरेशन को लेंगे a is equal to, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, g भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, उसकी वैल्यू होती है g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस के जी भी एक्सीलरेशन है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन की का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं जी इक्वल टू ए इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब यहां से हमने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है क्योंकि यहां पे हमें ग्रेविटी का गैस वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू एम जी। तो यहां पे पिछले में क्या हुआ, यहां से आप लिख सकते हैं, हमने जो मैंने आपको अज्यूम किया था कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये h के इक्वल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं f इक्वल टू mg मल्टीप्लाई h। तो सिंपली mg h, ये फोर्स इक्वल टू mg h, और ये वाला जो सॉरी यहां पे फोर्स इक्वल टू m है, और आप यहां पे जो है w इक्वल टू mgh, और फिर पोटेंशियल एनर्जी हो वो इक्वल होगी mgh। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है 1 / 2 mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब इसकी आप अगर एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बैलून है कि उसको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट अगर अगर आप करें किसी भी एग्जांपल से, तो जैसा कि आपके बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि एक बैलून की, एक बैलून उस उसके अंदर आपने हवा भरी है, तो उसके एंड को आपने टाई नहीं किया होगा, ठीक है। उसके सेकंड बैलून की जो एग्जांपल है, उसको आपने यहाँ पे टाई किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हवा जो है वो बाहर यहाँ से निकल नहीं सकती। तो जो फर्स्ट है इसमें आपने हवा भरी है, तो यहाँ पे जब आप उसको छोड़ेंगे, इसके टेल को जब आप छोड़ेंगे, तो ये मूव करेगी आगे की तरफ, यानी कि हवा पीछे की तरफ, और बैलून भी मूव करेगा आगे की तरफ, यानी कि इसकी जो है कुछ ना कुछ मोशन होगी, यानी कि यहाँ से शायद यहाँ पे चला जाइए। तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो मोशन की वजह जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² स्क्वायर। अब जो जो बैलून को हमने इसकी टेल को टाई किया है, उसके अंदर हवा तो स्टिल है, लेकिन हवा बाहर नहीं निकल सकती, उसकी बस शेप क्या होगी, एक पोजीशन जो है पहले कोई एक सेंटर पोजीशन पे थी, उसकी पोजीशन चेंज होगी, p पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये मैंने आपको दो सिंपल एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, कौन सी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। किसी भी जिस्म में किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, और बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन सर्टेन पोजीशन, पहले पोजीशन उसकी कुछ और थी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कुछ और थी, तो उसके अंदर जो उसकी वजह से जो डिफरेंस है पोजीशन में उसको हम कहते हैं कि बॉडी ने प्रोसेस किया है पोटेंशियल एनर्जी। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आ जाऊंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।